सभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समय भी निकाला और बहुत गंभीरता के साथ अपनी बातें रखी। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि अब तक जो कुछ भी चर्चाएं डिस्कशन हुआ है उसमें सभी राज्य इन्वॉल्व है, अफसर लेवल पे इन्वॉल्व है, दुनिया के अनुभवों को भी शेयर, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्रियों का अपना एक विशेष अनुभव होता है, पब्लिक लाइफ में काम करने वाले लोगों की एक विशेष दृष्टि होती है, क्योंकि इन चीजों को अगर आपके सुझाव मिलेंगे तो मेरा आग्रह है कि आप लिखित में अगर हो सके उतना जल्दी, क्योंकि आज भी कुछ अच्छे मुद्दे उठाए सबने कि ये हो ये हो ये हो, इससे भी ज्यादा होंगे, ये अगर मिल जाएंगे तो हमें अपनी स्ट्रेटेजी वर्कआउट करने में सुविधा होगी। और ये कोई किसी पे थोप नहीं सकता है, भारत सरकार निर्णय करे कि हम ये करेंगे और राज्य सरकार, ऐसा नहीं हो सकता, हम सबको मिलकर के ही इस चीज को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इसलिए सबके विषयों का बड़ा महत्व है। कोरोना संक्रमण से जुड़े जो प्रेजेंटेशन हुए उनमें भी काफी जानकारियां उभर कर आई हैं। आज मैं प्रारंभ में कुछ मुख्यमंत्रियों से बात की थी जहां स्थिति जरा बिगड़ रही है। जहां तक वैक्सीन का सवाल है, वैक्सीन की स्थिति और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी जो कुछ भी चर्चाएं हुई हैं, एक प्रकार से मीडिया में जो चलता है वो अलग चीज होती है, हमें तो इन चीजों को ऑथेंटिकली ही आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि हम सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन फिर भी काफी चित्र स्पष्ट हुआ है। एक समय था जब हम सभी के सामने चुनौती एक अनजान ताकत से लड़ने की थी, लेकिन देश के संगठित प्रयासों ने इस चुनौती से मुकाबला किया, नुकसान को कम से कम रखा। आज रिकवरी रेट और फैटलिटी रेट दोनों ही मामलों में भारत दुनिया के अधिकतर देशों से बहुत संभली हुई स्थिति में है। हम सभी के अथक प्रयासों से देश में टेस्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क आज काम कर रहा है। इस नेटवर्क का लगातार विस्तार भी किया जा रहा है। पीएम केयर्स के माध्यम से ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर है। कोशिश ये है कि देश के मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को ऑक्सीजन जनरेशन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। इसलिए अभी 160 से ज्यादा नए ऑक्सीजन प्लांट्स के निर्माण की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू की गई है। पीएम केयर फंड से देश के अलग अलग अस्पतालों को हजारों नए वेंटिलेटर्स मिलने भी सुनिश्चित हुए हैं। वेंटिलेटर्स के लिए पीएम केयर फंड से 2000 करोड़ रुपए ऑलरेडी स्वीकृत किए गए हैं। साथियों, कोरोना के मुकाबले के बीते 8-10 महीने के अनुभवों के बाद देश के पास पर्याप्त यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे, उसमें तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। लेकिन कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है। इतना बड़ा टीकाकरण अभियान स्मूथ हो, सिस्टमेटिक हो और सस्टेन हो, ये लंबा चलने वाला है। इसके लिए हम सभी को, हर सरकार को, हर संगठन को एकजुट होकर के कोऑर्डिनेशन के साथ एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा। साथियों, वैक्सीन को लेकर भारत के पास जैसा अनुभव है वो दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी नहीं है। हमारे लिए जितनी जरूरी है स्पीड है, उतनी ही जरूरी है सेफ्टी भी है। भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी। जहां तक वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो उसकी तैयारी भी आप सभी राज्यों के साथ मिलकर के की जा सके रही है। वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर किसे लगाई जाएगी ये राज्यों के साथ मिलकर के एक मोटा मोटा खाका भी आपके सामने रखा है कि भाई अगर इस प्रकार से WHO ने जो कहा है हम चलते हैं तो अच्छा है, लेकिन फिर भी ये निर्णय तो हम सब मिलकर के ही करेंगे।
हर राज्यों के सुझाव का महत्व इसमें बहुत रहेगा, क्योंकि आखिरकार उनको अंदाज है कि उनके राज्य में ये कैसे होगा, हमें कितनी अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज की जरूरत रहेगी। मुझे लगता है कि राज्यों ने इस पर अभी बल देकर के व्यवस्थाएं खड़ी कर देना शुरू कर देना चाहिए। कहां कहां ये संभव हो गए, उसके पैरामीटर्स क्या हो गए, उस पर हमें यहां से सूचनाएं तो डिपार्टमेंट को चली गई है, लेकिन इसको अब इंप्लीमेंट करने के हमने रेडी रखना पड़ेगा, और जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त सप्लाई भी सुनिश्चित की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।